जय माता की। आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में स्वागत है। मैं पंडित नीति शास्त्री आपके लिए लेकर के आता हूँ हर एपिसोड में कुछ नई और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आज का यह एपिसोड अन्य उपायों से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। दुकानदारी से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए जो उपाय मैं लेकर के आता हूँ उनसे थोड़ा डिफरेंट आज का टॉपिक है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दुकानदारी करने से पहले क्या काम करें जिससे आपका सारा काम अच्छे से चले, आप जो भी काम करें वही काम आपका चलने लग जाएगा। दुकानदारी करते हुए तो मैं आपको लगातार उपाय बताता रहता हूँ कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है या आपकी दुकानदारी में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है तो उसके लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ हमारे पास ऐसे भक्तों के प्रश्न भी आ रहे हैं जो अभी तक, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कोई नया कार्य शुरू नहीं किया है, उनके हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं। हमने कुछ प्रश्न नोट भी किए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास प्रश्न आया है विनय सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये कह रहे हैं कि मैं अपना फर्स्ट टाइम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मुझे क्या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ सेटल हो पाए, या मुझे क्या ऐसा काम करूं जिसमें मेरी ग्रोथ हो। तो विनय जी, अकॉर्डिंग टू आपकी जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप भी आज का जो उपाय है इसको आप ध्यान से सुन ले। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो माता रानी की कृपा से आप मेरे द्वारा बताया गया जो मैंने आपको रेकमेंड किया था वो कार्य करें, या अगर आपका काम किसी और, आपका दिल किसी और को काम करने में है वो अगर आप करें तो वो भी आपका चलेगा, भगवान की कृपा से आपका सारा काम चलेगा। लेकिन आज बताए जाने वाले उपाय को अगर आप करेंगे तो आपके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके साथ एक हमारे भक्त का प्रश्न हमने और लिया था, ये प्रश्न हमारे पास है पल्लवी जोशी जी का। ये हमारे पास प्रश्न आया है चंडीगढ़ से। सेम इनका भी वैसे ही क्वेश्चन है कि मैं नया काम स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरा काम ठीक चले इसके लिए मुझे आप कोई उपाय बताएं। तो पल्लवी जी, उपाय तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको यहाँ पर और रेकमेंड करता हूँ कि कोई भी काम जब हम शुरू करेंगे बिल्कुल फ्रेश, सबसे पहले हमें पेशेंस, धैर्य रखना होगा। मान लीजिए आज आपने दुकान की और आप सोचते हैं 10 दिन में आपकी दुकान बिल्कुल सेटल हो जाए, आपका गल्ला भरा रहे, आपकी दुकान में कस्टमरों की लाइन लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। कोई भी दुकानदारी हो उसको चलने में, उसको स्थापित होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज का उपाय आपने भी पल्लवी जी जरूर करना है और माता रानी की कृपा से आपको इसके बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। तो आज का ये एपिसोड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, एपिसोड को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं हमारी मेहनत तभी सफल होगी अगर आप एपिसोड को ध्यान से देखेंगे, जो उपाय एपिसोड में बताया जाता है उन उपायों को आप ध्यान से करेंगे। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम जामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयम् अमृतात् बोलि शंकर भगवान की। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूँ आप सभी भक्तों के सामने आज के नए एपिसोड के साथ। ऐसे लोग जो अभी नया काम स्टार्ट करने वाले हैं या जो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में बिजनेस या अपना कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए अब मैं उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि सही समय पर सही नियत से किया गया उपाय हमेशा उचित फल देने वाला होता है। मंगलवार के दिन आपने इस कार्य को करना है। मंगलवार की सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और लाल रंग का प्रसाद
जी हाँ, चाहे वो आप गुलदाना उसको बोलते हैं या जलेबी का प्रसाद भी आप ले सकते हैं। लाल रंग का होना चाहिए प्रसाद, आप लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहां पर आप लाल प्रसाद अपने साथ लेकर जाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली महाराज, मैं अपना नया काम शुरू करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मेरे इस नए काम में किसी भी तरह की कोई भी अड़चन ना हो और मेरे तरक्की के, मेरे विकास के सभी मार्ग खुले रहे और मेरा काम जल्दी से सही रास्ते पर, सही पथ पर आगे बढ़े, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहकर के वह लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को अर्पण कर देना है या पुजारी को दे दें, पुजारी वह प्रसाद हनुमान जी को भोग लगवा देगा। उसके बाद बचा हुआ प्रसाद आप अपने साथ घर लेकर के आए, स्वयं भी वह प्रसाद ग्रहण करना है, परिवार में अन्य लोगों को भी वह प्रसाद देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि रास्ते में या बाहर किसी को भी आपने उस प्रसाद में से नहीं देना है, केवल और केवल बचा हुआ प्रसाद अपने परिवार में और अपने घर में ही ग्रहण करना है। लगातार 5 मंगलवार इस काम को करना है और ऐसा शेड्यूल बनाना है कि नया काम जब आप शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले 5 मंगलवार ये उपाय पूरे हो चुके हों। नया काम स्टार्ट करने के बाद बीच में कोई मंगलवार नहीं होना चाहिए। नया काम मान लीजिए आपने कल शुरू करना है तो ये जो मंगलवार आएगा इससे पहले सभी 5 मंगलवार कंप्लीट हो चुके हों। बस ये एक काम आपने करना है, भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपका सारा कार्य बहुत अच्छा चलने लगेगा, आपके काम में बहुत अच्छी तरक्की होने लगेगी, आपके विकास के, आपके उन्नति के सभी मार्ग खुलेंगे। तो आशा करता हूँ आज का यह उपाय आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आज के उपाय से जुड़ा हुआ आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे बंधुजनों, अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।